नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पीपी न्यूज लाइन को आप इतना प्यार देते हैं क्योंकि आपने बहुत सारा सब्सक्राइब किया है, शेयर भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं इस प्रोग्राम को लेकर। हमारे पीपी न्यूज लाइन को लेकर आप सबका पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन एक खास बात बताना चाहती हूँ, आज हम अपने पीपी न्यूज लाइन में एक खास, बहुत खास, वैसे तो सारे प्रोग्राम खास होते हैं लेकिन आज कुछ खास है क्योंकि हमारी डोगरी भाषा की बात है, हमारे डोगरी सम्मान की बात है। और डोगरी भाषा की बात करते हैं तो भाषा अनुवाद को लेकर देश की कई भाषाओं को सम्मानित किया गया और उसमें बहुत ही खुशी की बात है और हम सबके लिए बहुत ही प्राउड की, गर्व की बात है कि हमारी डोगरी भाषा को भी उसमें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। मूल रूप से लिखी सतीश वर्मा जी की किताब पाकिस्तान की हकीकत से रूबरू, हम आपको बता दें हमारे सतीश वर्मा जी दो बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं और वहाँ पर जाकर खुद वहाँ पर गए और वहाँ जो अनुभव महसूस किए उसी के आधार पर उन्होंने किताब लिखी पाकिस्तान की हकीकत से रूबरू। और उस किताब को डॉक्टर नीलम सरीन जी, उनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमारे जम्मू के लिए बहुत प्राउड की बात क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और उन्हें इस किताब के अनुवाद के लिए पाकिस्तान की हकीकत करने रूबरू, इस किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। हम सब पीपी न्यूज लाइन की तरफ से उन्हें ढेर सारी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और उसके अलावा हम आपको बताएं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वो हाल ही में सदस्य भी बनी है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिल्कुल हमारे बीच डॉक्टर नीलम सरीन है और सतीश वर्मा सर हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बाकी हम बहुत खुश हैं कि मैं भी बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। और हमारे डुगर की बात करते हैं तो हमारा डुगर जो है एक बहुत प्राउड महसूस होता है कि मैं डोगरा लड़की हूँ और जाहिर है अगर डुगर की बात करते हैं तो मुझे डोगरी में बोलना चाहिए। मैम तुंदा मता मता स्वागत। धन्यवाद। तो देखो उनमें ये तुम्हें पूछगी कि तुसें जिसलै अवार्ड मिलिया, मतलब तुसें ए ते आखना जी तुसें किन्या महसूस होया, शैल ते होया होना मगर तुसें लगा रहा कि एदे पर अवार्ड मिलग इस किताब उपर, या के सोचा के महसूस किया तुसें? जी शायद जदों मैं किताब पढ़ी ही शायद 2014 या 15 च किताबें पढ़ी ही सतीश वर्मा जी दी पाकिस्तान दी की हकीकत से रूबरू, तो तब मुझे मेरा मन में आया कि उसको अनुवाद करना चाहिए क्योंकि ये किताब का संबंध सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर से था क्योंकि ये वैसे तो वैसे सतीश वर्मा जी गए वहाँ पर दो बार गए उन्होंने पाकिस्तान की और पाकिस्तान से POJK की और फिर उसके अलावा कह सकते हैं कि मीरपुर हमारे वहाँ जाना, वहाँ के बहुत सारे अनुभव उन्होंने साझा किए थे। और जब मैंने ये किताब पढ़ी तो इस किताब में सबसे पहले ही इन्होंने एक पहले ही चैप्टर में इन्होंने कोट किया हुआ, डोगरी में कोट किया हुआ था वो कि शायद वो पुंछ से लोग थे जो कि पाकिस्तान में चले गए थे, गलती से चले गए थे जहाँ फिर वहाँ पर हो गए थे, तो वो चाहते थे कि हम हिंदुस्तान के नागरिक बनना चाहते हैं। और ये सतीश वर्मा जी के साथ जब मिलने के लिए आए होंगे तो सबसे बड़ी जब मैंने किया तो मैं बड़ी इंप्रेस हुई कि इन्होंने उस लाइनों को, उनकी लाइनों को एज इट इज़ डोगरी में कोट किया था और मुझे लगा कि नहीं ये तो डोगरी भाषा में भी होनी चाहिए ये वाली किताब क्योंकि ये सीधा संबंध इसका जम्मू कश्मीर से है और जम्मू कश्मीर के लोगों से है। और सबसे कहती हूँ मैं कि कश्मीर की समस्या पैदा हुई तो शायद इसमें थोड़ा बहुत इन्होंने डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली जब हम किताब पढ़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और आपको थोड़ी 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 समझ आने लगती है कि कश्मीर समस्या पैदा ही क्यों हुई थी। और इसके अलावा जब इसका जब मैंने अनुवाद किया ये किताब जो है रिलीज़ हुई 2016 में तो तब तो शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि इस पर कोई अवार्ड भी घोषित हो सकता है, पर ये तो एक महीना पहले ही मुझे पता चला कि साहित्य अकेडमी से मुझे फ़ोन आया कि आप अपनी 5 किताबें ये वाली भेज दो साहित्य दिल्ली में, तो तब भी मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ कि क्यों मंगवाई जा रही हैं। और मैंने वो किताबें आप जल्दी, उन्होंने बोला कि ईमेल भेजा जल्दी से भेज दो, तो मैंने भेज दी। तो मैंने वैसे ही किसी से बात की, मैंने कहा वो 5 किताबें उन्होंने मंगवाई हैं पता नहीं क्यों मंगवाई हैं, वो कहते हो सकता है इस पर आपका अवार्ड हो जाए। पर जिस दिन मुझे वो ईमेल देखा मैंने तो मैं तो बहुत अचंभित हो गई कि मैंने जब जो चीज़ मैंने खुद अपनी खुशी के लिए अपनी मर्जी के लिए की थी उसको आज अवार्ड मिल रहा है। और बाकी देखिए मैम इतनी ज़्यादा खुशी होती है जो हमने देखिए एक तो हमने सोचा होता है हमें ये चीज़ मिलनी है, ठीक है वो चीज़ मिलती है, ठीक है हम खुश हो जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है हमने सोचा नहीं होता और वो अचानक चीज़ हमारी झोली में आके गिरती है। वो तो अचानक ही मिली सच में, तो उसके लिए बहुत ही उसके लिए तो मैं अपने सारे जो हमारे डोगरी के राइटर हैं, विद्वान हैं जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया, इनको इसको नोटिस किया, उनको धन्यवाद करना चाहूँगी
क्योंकि ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में जाए, एक ही महीने में जाए, कि ये ग्राउंड लिस्ट से लेकर बहुत सारी लिस्टें बनती हैं, फिर आसा एक लिस्ट, दो लिस्ट, चौथी पांचवी लिस्ट जाती है, फिर जज जाता है। तो इसके लिए तो मैं, मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों को शायद ये किताब अच्छी लगी और उन्होंने इसको सराहा। तो जो राइटर लोग हैं, बाकी तो जो जिन लोगों को जे जिनकी वजह से ये अवार्ड हुआ है, उन लोगों ने भी इसको सराहा और उनको इनको अच्छा पसंद किया, तो उनके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी करती हूं। बिल्कुल, और बिल्कुल हमारे बीच सतीश वर्मा जी भी हैं जिन्होंने मूल रूप से, सर आपने किताब लिखी पाकिस्तान की हकीकत से रूबरू। देखिए किसी भी किताब को सर लिखने के लिए ऐसा नहीं कि हमने कोई किताब ली, कॉपी करी और थोड़ा सा वीडियो देखा और हो गया, लेकिन आप खुद दो बार, एक बार नहीं दो बार पाकिस्तान की और पाकिस्तान में वहाँ रह कर उनके बारे में जानना और उसके पे किताब लिखना, मतलब बताइए किस तरह का आपका अनुभव रहा वहाँ पाकिस्तान में। देखिए वो तो बताऊँगा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर नीलम सरीन ने मेरी स्वर्गीय माता का जो एक सपना था उसको साकार किया है, मैं इनके लिए बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, क्योंकि इन्होंने किताब पढ़ी मेरी, इन्होंने अनुवाद की बात करी, तो मैं समझता हूँ कि माँ से बड़ी दुनिया में कोई शख्सियत नहीं। बिल्कुल सही बोला। तो मैं बार बार इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं आता हूँ अनुभव पे। अनुभव पे देखिए, पहली बार मैं जब वाजपेयी साहब लाहौर गए तब मैं बस लाहौर बस यात्रा की थी, तब लाहौर तक महदूद था मैं। दोबारा मैं 2005 में सिर्फ लाहौर नहीं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पीओ जी किसे कहते हैं, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, नॉर्दर्न एरिया जिसको चीन से सटा हुआ इलाका है, गिलगित, बाल्टिस्तान, स्कर्दू, उन तमाम इलाकों का दौरा किया जी। लोग बहुत गए थे यहाँ, सेफमे का डेलीगेशन गया था, लेकिन मेरा एक नज़रिया शुरू से लग रहा है, मैं दुनिया के कई मुल्कों में गया हूँ, तो मेरा जो एक इन्वेस्टिगेटिव आइज़ है वो घूमती हैं जहाँ जाता हूँ मैं। तो चूँकि मैं मनोहर कानिया का राइटर रहा, बड़ी अपने टाइम की बड़ी लोकप्रिय पत्रिका रही है मनोहर कानिया, ब्लिट्स करंजिया साहब के अखबार में बॉम्बे मैंने काम किया, तो अंडरवर्ल्ड पे स्टोरी की, बड़ी स्टोरी की, इसमें यह हुआ कि मेरी वही जो एक सोच थी, मैंने वहाँ बड़े लोगों से बात की, सेपरेटिस्ट भी मिले, मिलिटेंट्स भी मिले, और वो लोग मिले जो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते थे, वो केवल मीरपुर, कोटली या मुजफ्फराबाद नहीं, गिलगित बाल्टिस्तान में भी JKLF का जो वहाँ पर अमनुल्ला खान जो सज्जाद लोन के ससुर हैं उनके अगुवाई तहरीक कई सालों से चल रही थी, तो मैंने उन लोगों से बात की, तो मैं नोट करता रहा और वहाँ से मैं अपने अखबार जिसका मैं करस्पॉन्डेंट था राष्ट्रीय सहारा, उसके लिए मैं खबरें भी भेजता रहा, खबरें भी छपती रही। लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मेरे एक CEO थे, उन्होंने कहा कि यार इतना बढ़िया रिपोर्ट्स किया तुमने पाकिस्तान जाकर, लगता है तुम पाकिस्तान गई हो, तो तुम किताब क्यों लिखते, तुम तो मनोहर गाने के राइटर बने हो। तो तब मेरे जहन में आया, तो मैंने उन तमाम चीज़ों को समावेश करने की कोशिश की एक पुस्तक के तौर पर। जी देखिए, आपने वहाँ पर रहकर अनुभव प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको ऐसा कभी उनको शुभा नहीं हुआ कि ये इस तरह से किताबें लिख रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ सीन क्रिएट? देखिए मीरपुर में हमारा इंटरेक्शन था वहाँ के लोकल लोगों से, तो मैं दो चार लड़कों से बात कर रहा था कि मीरपुर में क्या हुआ था 47 में 48 में, तो कह रहे हमारे बुजुर्ग सुनाते थे, वो सुना रहे थे, तो जो लोकल एजेंसीज हैं उसके पास आके खड़ी होगी, मैं जैसे चलने लगा देखा मुड़ के उसको पकड़ के ले आया थे लड़के को लोकल एजेंसी, तो मैं मुड़ा, मैंने कहा अगर मैं चुप रहा तो इसको पता नहीं कौन से मुकदमे से पूछेंगे, मैंने कहा मैं अभी जनरल साहब से बात करता हूँ, उनके कहने हम यहाँ आए हैं, आप कैसे एक आदमी से बात करने से उसको क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, वो ISI के लोग थे बेसिकली, तो उनकी जान छुड़ाई। फिर जिनका जिक्र डॉक्टर नीलम सिंह ने किया है, हम जिस होटल में ठहरे थे उनको पता चला कि इंडिया से कोई डेलीगेशन आया, तो जिस होटल में था, तो मुझे सुबह सुबह, मैं आमतौर पे 6 बजे उठ जाता हूँ, तो रिसेप्शन से इंटरकॉम बजा कि एक अमनुल्ला खान शाह नाम है करेक्टर का, वो मिलने आया, वो लंबा सा, तो वो मिला मुझसे, मैंने कहा चाय भेज दो और ब्रेकफास्ट भी किया, वो बुज़ुर्ग आदमी है, तो हमने दोनों किया, मैं कहा बताएं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी उर्दू ज़बान में, उन्होंने कहा जी ऐसे पूछ रहे डाले हैं ये, वो सारी बात बताई, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज फिर वापस चले जाइए पूछ, फिर उसने बड़ी बातें करी, तो मैंने उनकी जो भावना इमोशंस हैं उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश करी, और मुझे वास्तव में मेरी आंखों में आंसू आ गए कि देखिए आदमी जहाँ पैदा होता है उसको अपनी मिट्टी से कितना लगाव होता है, जड़ों से लगाव, और ये लोग दूस्वप्न पाल के गए
कि हमें आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन उनका वो मैं आगे बताऊंगा कि मैंने जो वहाँ कैंप्स देखे मुजफ्फराबाद में, जो यहाँ गन उठाने के लिए ट्रेनिंग लेने गए, वो किस नरकी हालात में रह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि एक पत्रकार, और ख़ास तौर से चूंकि मैं खोजी पत्रकार रहा शुरू से, और इस तरह मुझे बतेरे अवार्ड मिले, तो मैं समझता हूँ कि एक सोच होती है आदमी की, सिर्फ रिपोर्टर तो चलिए दाल फुकड़ा चलाने, किचन चलाने के लिए होती है नौकरी, लेकिन क्रिएटिव वर्क होता है। कल को अमर इन्हा ने, अब ये बुक्स जो है, मेरी सारी बुक्स, चार पांच बुक्स हैं, सब गूगल में ट्रैवल कर रही हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं फिर बार बार मेरे मन से एक ही शब्द निकलता है कि मैंने माँ की मुराद जो है डॉक्टर नीलम सरीन के जरिए पूरी की है। मैम जी, सतीश वर्मा सर ने सानू दस्या जे ए पाकिस्तान आपू गए, दो बारी यात्रा की, उत्ते अनुभव साझा किए, तो तुम दसो जी इन्हें किताब लिखी पाकिस्तान की हकीकत से रूबरू, तो मतलब वो किताब का स्टाइल किनिया लग्या तुसी जिया इन्हें लिखी, तो उदे बाद तुसी उसी के अनुवाद किया? हाँ, मतलब जी अलजी मनोज सिन्हा जी का थोड़ा जी बिल्कुल बताइए। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू, हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी एलजी का, उन्होंने इस हमारे जो हमें नेशनल अवार्ड मिला उसको ट्वीट भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि माननीय उपराज्यपाल की तरफ से भी ट्वीट, मतलब वो भी देखते हैं इसका मतलब अवार्ड्स को लेकर। जी तो हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और हमें गर्व है कि हमारे उपराज्यपाल हमारे साथ हैं, तो बिल्कुल हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जड़ी मैं पहले तो पढ़ी सारी किताब, ते उसके बाद एक तो यात्रा विवरण है, और यात्रा विवरण जिसले अस कोई एक्चुअली ट्रांसलेशन भी एक बड़ा संवेदनशील मामला होंगे कि असेंगी उनके शब्द, उनकी भावना कहीं ठेस नहीं पुजेगी, कुछ भी ऐसी कुछ ऐसी गल कुछ ठेस नहीं पुजे। जी अस जिसले अस डोगरी कोई ट्रांसलेशन करने ना, तो वो ये भी है कि असेंगी शब्दावली भी ऐसी आनी चाहिए जी डोगरे लोग जड़े ना उनेंगी अपनी संस्कृति कन्नै जोड़ियै दिक्खन, अपने देश कन्नै जोड़ियै दिक्खन, अपने मतलब कि समझन कि यह साड़ी अपनी है। तो इस तरीके कन्नै केईं बारी शब्दावली, केईं बारी बोलने का तरीका, केईं बारी कुछ कुछ चीज़ा ऐसी होंदियां जड़ियां हिंदी च ते बड़ियां अच्छियां लगदियां जी। हाँ जी, जियां पोशाक की गल अगर कीती दी होए जां कुसै संस्कृति की गल कीती दी होए, उसी असें कि डोगरी का थोड़ा जिहा ध्यान रखना पैंदा कि डोगरी करन उहदे च होए डोगरी। जियां मन लो अस फॉर एग्जाम्पल आखी सकने कि कोई कुसै दी, कुसै ने पोशाक ड्रैसिस पाई दियां, कुसै ने जां ड्रैसिस अगर, तो जिसले अस डोगरी च करने अनुवाद उसी ते सोचने ध्यान रखना पौंदा असेंगी कि डोगरी दे गै एह्दे च आए, डोगरी दे गै शब्द आन, ते ओह चीज़ां ते ध्यान रखनी पौंदियां। पर इंदा एक यात्रा विवरण हा, ते उहदे च ते मी करने च काफ़ी मज़ा आया, आनंद आया, क्योंकि इंदी किताब शायद बाकी लोगों भी ऐसा राइटरें जां ऐसा विद्वान ने महसूस किया होना कि जिसले अस तुस पढ़ना शुरू करदे ते तुसेंगी तो छोड़ने का मन नहीं करता, मतलब कि लगता कि अग्गे केह होया होग, अग्गे इन्हें केह उत्थे जानकारी दित्ती है, ते और ऐसिया और विदे च थोड़ा थोड़ा इन्हें हास्य व्यंग भी पाए दा, जियां इंदा शायद डेलीगेशन सारा इंदा मिलने से गया हा, मिनिस्टर जो उन्हें खाने वाने पर बुलाया हा, तो उन्हें पिक्चर दी भी गल कीती दी, विच पता नहीं उदू पिक्चर मी याद नहीं रहा पिक्चर दा केड़े पिक्चर दा नाम है, ते उदे च वीर ज़ारा, हां वीर ज़ारा, ते उंदा खाने दा, फिर इन्हें और इंदी सरकता, एक सबसे बड़ी गल है कि इंदी सरकता बड़ी ही उत्थे कि प्लेट्स खाने पर जल्ले आने खाना परोसया गया, तो प्लेट्स पर कुछ उंदे उर्दू च लिखे गए ही, और सतीश वर्मा जी ने खुद लिखे दा कि मैं उदे च जानकारी हासिल की, खाने वाले पास मेरा ध्यान नहीं रहा, पर मैं ये कि मैं ये पर लिखे दा के है, ऐसी प्लेट्स पर के लिखे दा जड़ा कि ऐसा कुछ, पर थोड़ा वो भी खैर होते हूँ इसलिए नहीं मैं बोलगी, पर थोड़ा वो भी इन्हें पूरा उसी डिटेल च दस्से दा। और तुसी जिसले पढ़गे किताब, मेरे ख्याल च बड़े सारे लोगें राइटर ने खैर पढ़ी दित्ती दी है, पर मी भी लोगें दे फोन आए कि आख लगे हैं तुहाड़ी किताब ऐसी है कि लगदा ही नहीं है कि एह्दे ट्रांसलेशन है, लगदा कि तुसें गै लिखी है जी, मतलब कि एक। ते परसों शिवनरोई जी का फोन आया, तो उन्हें गी एक्चुअली किताब मैं प्रोफेसर शिवनरोई जी ने गी उन्हें गै नवाजा गया उन्हें कन्नै पद्मश्री कन्नै, ते ओह मैं उनेंगी कोई महीना 15 दिन पहले गई मिलने आस्तै, ते मैं उनेंगी किताब इयो देई आई भेंट करियै, मैं कहा एह किताब तुस पढ़ो, ते जिल्ले उंदा फोन आया ते आखन लगे मैडम जी किताब भी बड़ी अच्छी है, ते लगदा कि नहीं है कि मैं ट्रांसलेशन पढ़ा दा, मी ते लगदा कि तुस गै पाकिस्तान गई ते तुसें गै एह किताब लिखी है, तो वो मेरे आस्ते बड़ी वड्डी उपलब्धि ही। देखो मैम, जिसले अस जियां तुसीं आखिया शब्दावली का बड़ा अच्छा है, मतलब इस्तेमाल करना पड़ता, कोई ऐसी ठेठ गल्लां होंदियां जिहड़ी डोगरी च जियां अस आखी ओड़ने आ, पर जिले अस लिखने आ ना उसी, ते अस कोशिश करने कि कुसै दे दिले की ठेस नहीं पुजे, उऐ जे वर्ड्स दा इस्तेमाल करो। नहीं, डोगरी दी भाषा ते बड़ी अच्छी, बड़ी मिठी ते सरस है, बड़ी सरस है, ते तुसीं जियां वर्ड्स तुप्पने ओह करना। एक्चुअली डोगरी भाषा इन्नी समृद्ध है ना कि शायद हिंदी दे बाद अगर अस गल करचै ते
डोगरी भाषा सम्मिलित है। अस एक शब्द अगर अस लिखना चाहगे तो ओहदे असां साडे कोल 10-12 पर्याय न, अस ओहदे च कोई भी शब्द लईए ते अस ऐड कर सकदे। बिल्कुल, तां ते गूगल च हुण साडी डोगरी भी आई है ना, बड़ी खुशी वाली गल है। ते मैम जियां तुसीं दस्सिया कि जियां पाकिस्तान दी यात्रा दे दौरान जिहड़ा कुछ तुहाडे कोल होर भी ते पाकिस्तान उप्पर लिखी दी किताबां आईआं होणियां, जियां होर भी ते लोक पाकिस्तान दे बारे च लिखदे। नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल ठेठ पाकिस्तान दी ते शायद मैं नहीं कोई पढ़ी। हाँ, कश्मीर समस्या पर किताबां पढ़ी लिखियां ने। अच्छा, मैं तुसें बिच टोका नहीं, मैं एक गल जरूर पूछना चाहनी, कोले दी मेरे दिमाग च आ रही, मैं जरूर पूछा तुसें। देखो, जिसले अस किताब लिखने मतलब लिखा दे होने, अनुवाद करा दे होने, पढ़ा दे होने, ते ओहदे च थोड़ा समय के लगदा, समय दा पता चलदा या समय इयां गै निकली जांदा, कियां करदे उस मैनेज जी? एक्चुअली ऐसी एक ना जीवन शैली ऐसी बनी जाती ना, जियां मेरी जीवन शैली ऐसी बनी रही है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर करना है। क्योंकि ये गल ठीक है कि बड़े सारे लोग ये भी पूछते हैं कि तू सारा घर का मैनेज किया कर दिया, पर एक आदत आखिर ना एक आदत बनी जाती है। हुण मैं आते मैं अगर खाना बनाना भुली सकनी हाँ, बाकी चीज़ा भुली सकनी हाँ, पर मैं 2-3 घंटे जरूर इस काम च लगाने, चाहे मैं अनुवाद करा, चाहे मैं कोई किताब पढ़ ला, जां फिर ये भी होई सकदा केईं वारी कोई नवीं चीज़ भी कोई रिसर्च दी, जियां अजकल इतिहास दा भी बड़ा चला दा है अमृत उत्सव, ते ओहदे च थोड़े आर्टिकल लिखे। मतलब कि ये गल ठीक है कि केईं वारी समय नहीं मिलता महिलाएं गी, केईं मजबूरियां होंदियां, कुतै जाना कुतै आना, कुतै दुख कुतै सुख, पर फिर भी एक घंटा 2 घंटे एक आदत है कि रोज़ कटने ही कटने इस काम च, रोज़ अपने स्टडी टेबल पर पेन पकड़ना ही पकड़ना। बिल्कुल, दिक्खो हर कोई इंसान ना कुसै चीज़ कन्नै एंटरटेन जरूर होंदा, मतलब उसी बोझ नहीं लगदा करना, उसी लगता कि बड़ा मजा आता, इन चीज नींद नहीं आती जिन चीज अस काम नहीं करते। तो एक बार प्रति रुक करने सतीश वर्मा वाली, सर सर सतीश वर्मा सर, आप जैसे बता रहे थे पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आप वहाँ पर गए, अनुभव किया, आपने बताया कि वहाँ पर कुछ कैंप्स भी लगते थे, तो मतलब किस तरह के कैंप्स, क्या होता था? देखिए, मुझे वहाँ जब पहली बार गया लाहौर यात्रा में, तो मुझे वहाँ दो बड़े अजीब से अनुभव हुए। एक आमतौर पर एक परसेप्शन है कि हर पाकिस्तानी बदमाश, एक परसेप्शन है, जैसे पाकिस्तान के लोग हमारे लोग। मुझे याद आता है कि जब मैं पहली बार लाहौर बस में गया, तो मैं अपनी स्टोरी फैक्स कराने के लिए GPO वहाँ माल रोड पर लाहौर में, वहाँ जब ऑटो में जा रहा था, तो ऑटो ड्राइवर कहता है पीछे से लाइट डिपर मार रहे हैं मोटरसाइकिल पे खुफिया विभाग के, कि आप रुकिए। तो मुझे समझने में देर नहीं लगी, मैं जिस ईस्ट को मानता था मैंने उसका ध्यान किया, और मैंने कहा सतीश वर्मा तू अगर चुपचाप उतर गया फिर भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, और बोलेगा तब नहीं छोड़ेंगे। बोलने का फ़ायदा ही है कि यहाँ ये पता चलेगा कि एक आदमी को यहाँ से उठा के ले गए एजेंसी वाले। तो मैं बड़े ज़ोर से पंजाबी में शाउट किया, मैं कहा मैनू क्यों तंग कर रहे हो, मेरे पास वीज़ा पासपोर्ट ये वो। तो वहाँ से पाकिस्तानी लड़के गुजर रहे थे, तो उसने आके पहले बोलने का, भाई क्यों तंग कर रहे हो जब उनका पासपोर्ट वीज़ा ये वो। तो मैंने कहा मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो लाहौर बस का सपना है उसके सिलसिले में आया हूँ। तो एक लड़का कहता है छोड़ ना इंडियन है, तो दूसरा पाकिस्तानी कहता है नहीं नहीं ठीक है इंडियन है पंजाबी है ये। देखिए भाषा कहाँ कनेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर वहाँ हिंदी बोल रहा होता तो हो सकता है मेरी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता, मैंने पंजाबी बोली तो मैं कैसे बचा। नहीं सी मैं आज थोड़ा किताब लिख गई थी, मैं किसी लाहौर की जेल में सरबजीत तेरा पड़ा हुआ सड़ रहा होता, बम धमाके में फंसाया था। उसी दिन दूसरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं GPO जैसे पहुँचा तो विंडो जो थो फिक्स खाली थी, वहाँ बैठा मुलाजिम सबसे कह रहा था लाइन लगी जाओ मशीन ख़राब है कोई फैक्ट नहीं होगा, सब चले गए के करके। मैं जब रुका रहा तो उसने सोचा मैं भी पाकिस्तानी हूँ, और जाओ महाराज तो अनु अलग तो चिट्ठी दिखनी है। तो मैंने मुस्कुरा के कहा, मैं कहा मैं इंडिया से आया हूँ मुझे स्टोरी। अब मानेगी नहीं, उसका हावा 180 डिग्री पर चेंज हो गया, मुझे इशारे से कहता है इधर आओ। मैं गया, कहता दोबारा बोलो कितों आयो, मैं कह इंडिया, कहता रुको। उसने मशीन खुद ही ख़राब कर रखी थी, ठीक करी सुनी गई, मुझे चाय पिलाई, और मुझसे बड़ी देर उसने गपबाजी करी, कहना कल कितने बजे आओगे, मतलब एक आत्मसाली बात थी। और मैं कहता हूँ कि वहाँ दोनों जगह दो घटनाएं ऐसी थी जिसने पाकिस्तान आवाम के बारे में मेरे मन में एक अजीब सी छाप छोड़ी। एक तो ये रहा, दूसरा हम जब मुजफ्फराबाद में थे, जो LOC लांग कर गए थे आज़ादी की कि हम गन उठाएंगे ये करेंगे, उनके परिवार के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी में 700 कुछ रुपये मिलते जो हमारे इंडिया के 500 रुपये भी नहीं बनते। वो दर दर भटक रहे थे, इतनी गंदी हालत में रह रहे थे कि हमारे यहाँ स्लम बस्तियाँ होती हैं ना उनसे बदतर हाल। ये वो लोग थे जो सपना पाल के गए थे कि हम गन उठाएंगे कश्मीर अलग हो जाएगा। तो मेरी उनसे बात हुई तो बड़ा पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ रो रहे थे, और सब कह रहे थे कि हमें अगर आम माफ़ी दे हिंदुस्तान की हुकूमत तो हम वापस अपने कश्मीर लौट सकते हैं।
जी, तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छे जो शेयर जो साझा है अपने विचार किए पाकिस्तान की हकीकत लेकर रूबरू, आप दोनों से बात की सर, आपसे बात की, आपसे बात की, आपने अपना वक्त दिया। तो पीपी न्यूज़ लाइन की तरफ से तो पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे पीपी न्यूज़ लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता, उनके बारे में पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। वैसे तो हमारे एडिटर इन चीफ हैं, हम उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, लेकिन बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन बहुत अच्छे एंकर भी हैं। उनका जो प्रोग्राम आता है ना तबसरा मैम, वो दिन भर की गतिविधियों को लेकर आता है, कोई करंट बात हुई हो तो उस पर एकदम स्टिक उनका ये प्रोग्राम चाहता है, और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने पीपी न्यूज़ लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता सर से, मैम डॉक्टर मैम यहाँ पर हैं, सर यहाँ पर हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सर आइए प्लीज। बहुत बहुत मुबारक है आपको आपके इसके अवार्ड के लिए। जी आपको बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू। आप तो पीपी न्यूज लाइन के परिवार से हैं, जुड़े हुए हैं। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सर। और एक गर्व की बात है पीपी न्यूज लाइन के लिए भी और जम्मू के लिए भी। थैंक यू। अभी आप देख रहे थे पीपी न्यूज़ लाइन पर एक बहुत ही खास प्रोग्राम, जिसमें हमारे बीच डॉक्टर नीलम सरीन, जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया डोगरी अनुवाद के लिए पाकिस्तान दी हकीकत कने रूबरू, इस किताब के लिए इन्हें नवाजा गया, और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्राउड की बात है कि आज हम भी उनसे रूबरू हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से। और मूल रूप से जिन्होंने इस किताब को लिखा, पाकिस्तान की खुद यात्राएं की, हम बात कर रहे हैं सतीश वर्मा जी की, उनसे भी बातचीत की और उनके अनुभवों के बारे में हमने भी जानने की कोशिश की। तो इसी के साथ ये प्रोग्राम खत्म करने की इजाज़त दीजिएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को आप ढेर सारा शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल पीपी न्यूज़ लाइन को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।